हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको कढ़ी बताने वाली हूँ, बल्कि मैं इसे हेल्दी कढ़ी बोलूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इस कढ़ी में मैंने बहुत ही कम तेल यूज़ किया है। बाकी जो दूसरी कढ़ी होती है उसमें बहुत ज़्यादा पकौड़े के लिए तेल यूज़ किया जाता है, इसमें मैं कम से कम ही तेल यूज़ करूँगी, 3 से 4 चम्मच। मेरी ये कढ़ी उन लोगों के लिए अच्छी है जो कम तेल खाना पसंद करते हैं। इस कढ़ी में मुझे यूज़ करना है बेसन 2 कटोरी, 1 कटोरी दही, 2 मीडियम प्याज बारीक कतरी हुई, सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है 3 से 4 चम्मच। नींबू का रस 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच। मसाले मैंने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से 2 लाल मिर्च साबुत, लहसुन मैंने 3 कलियाँ ली हैं, महीन महीन इसे कतर लिया है मैंने, बारीक कतर लिया है, 1 हरी मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 8-10 दाने मेथी के, करी पत्ता 7 से 8 और हींग 1 चुटकी। सबसे पहले मैंने बेसन को छान लिया है ताकि इसमें छोटे छोटे टुकड़े या गंदगी ना हो, सब निकल जाए। एक बर्तन में बेसन को डालेंगे। डेढ़ कप बेसन मैंने ले लिया और बाकी बचा बेसन मैं इस तरह से छोड़ दूंगी। अब इसमें पानी मिलाएंगे। बेसन में पानी डालेंगे। और इसका पकौड़े जैसा घोल बनाएंगे। इस तरह से इसे देखिए, इसमें लम्स ना रह जाए, अच्छी तरह से फेटेंगे। अच्छी तरह से फेंट के इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक दूसरे बर्तन में बचा हुआ बेसन और दही डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे। विस्क लेके इसे अच्छी तरह से फेंट देंगे। आप चाहें तो मिक्सी में रख करके भी इसे अच्छी तरह से 1 या 2 बार मिक्सी को चला करके इसका पतला सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। पानी और डालेंगे। लम्स ना रह जाए इसलिए इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे। इस तरह से भी कर लीजिए, कर सकते हैं इस तरह से।
कढ़ाई में इस बैटर पतले बैटर को डाल देंगे, बेसन के को डाल के गैस ऑन करेंगे और इसे चलाते रहेंगे। हाथ रोकना नहीं है, जब तक इसमें पूरा उबाल ना आ जाए तब तक कढ़ी को चलाते रहेंगे। अगर हाथ रोक देंगे तो कढ़ी फट जाएगी और बहुत ही अच्छी और स्मूथ सी कढ़ी नहीं बनेगी, फटी फटी सी बनेगी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। आपने देखा इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है, कढ़ी में नमक पहले नहीं पड़ता है। इसमें मैंने 2 ग्लास से 2.5 ग्लास करीब पानी डाला है। एक बात का और ध्यान रखना है कि दही खट्टा हो। अगर दही आपका खट्टा नहीं है तो आप इसमें नींबू मिला सकते हैं, नींबू का रस। आप इसके दही की जगह पे छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी खट्टा छाछ। कढ़ी गाढ़ी हो गई है और उबलने भी लगी है। अब इसे लो फ्लेम पे रख के इसी तरह से उबलने देंगे कम से कम 20 मिनट तक। अब बिना तेल की पकौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च को मैंने कतर लिया है। इसमें प्याज डालेंगे, 2 प्याज मैंने काटे थे उसमें से मैंने 1/2 इसमें डाल दिया है। मिक्स करेंगे। इसमें नमक डालेंगे, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। नमक डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा भी डालेंगे, इसकी जगह पे आप इनो भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अपम पैन गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। अच्छी तरह से इसे फैला देंगे। अब इसमें ये पकौड़े का जो मैंने तैयार किया था वो डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 मिनट बाद इसे पलट देंगे। सबको पलट के इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे ढक के। ये तैयार हो गया होगा, इसे निकाल लेंगे। ये तैयार हो गई है, अब इसे कढ़ी में डाल देंगे। और इसे पकने देंगे।
इन बिना तेल की पकौड़ियों को डाल के भी कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे। इसमें नमक डालेंगे। नमक हमेशा पकौड़ी के डालने के बाद से डाला जाता है। मिक्स करेंगे और इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे। इसे पकने देंगे। पैन गरम करेंगे, उसमें तेल डालेंगे, बचा हुआ तेल 1 बड़ा चम्मच। इसे गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया, इसमें मेथी डालेंगे, मेथी दाना, जीरा और अजवाइन थोड़ा चलाएंगे, भूनेंगे। लाल मिर्च डालेंगे साबुत। करी पत्ता डालेंगे। कच्चा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तो इसमें प्याज डाल देंगे। थोड़ा हींग डालेंगे। ऐसे भूनेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन होने लग जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस तड़के को कढ़ी में डालेंगे। इसे चलाएंगे। कढ़ी में तड़का डाल के 5 मिनट और इसे पकने देंगे। एक बात का और ध्यान रखना है कि कढ़ी शुरू में जब आप इसका नमक चेक करेंगे तो नमक, जब ये कढ़ी गर्म रहती है तो नमक हल्का होता है, और ठंडी हो जाने के बाद से फिर नमक तेज़ हो जाता है। तो नमक आप इसी हिसाब से डालिए कि बाद में ये तेज़ ना हो। कढ़ी बिल्कुल तैयार है और आप देखिए अभी भी इसमें इतना तेल बाकी है। इस कढ़ी में मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप रिफाइन ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। और कढ़ी में अगर आप घी डाल के खाएं तो इसका मज़ा चौगुना हो जाता है। कढ़ी तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। मेरी हेल्दी कढ़ी तैयार है। आप इसे चावल, नान, रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।